इसके लिए भी एक कड़क चाय छोटी सी, मास्क लगा के पियोगे? छट मट्ठी नहीं, एक रुपये वाली है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी जो वक्त हो रहा ना वो हो रहा सुबह के 9:18 पर, है ना। तो जस्ट अभी भी वीडियो मैंने अपलोड किया 9:15 पर, मतलब लगा हुआ था सुबह 8 बजे से लगा हुआ था, अभी अपलोड हो, बट उसका ना टाइम है थोड़ा सा और नेटवर्क इश्यू भी यहाँ पे और वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई थी। चलते हैं और करते हैं ब्रेक, फिलहाल कर लेते हैं ब्रेकफास्ट भुजिया और रोटी का ब्रेक। मैंने ज्यादा भूख वगैरह लगती नहीं ना, तो फिलहाल मैंने लिए एक ही रोटी, है ना, ज्यादा नहीं, क्योंकि मतलब हल्का सा बस पेट में जाना चाहिए ना भोजन, तो इसलिए मैंने लिए एक रोटी। तो फिलहाल तो ये हुडी लगा लेते हैं, हुडी जैसी है बट ये हुडी नहीं है, जैकेट है ये मस्त वाली। बट हुडी नहीं है, प्रॉपर है ना, तो बस ये एक जैकेट है जो काफ़ी मस्त है, तो अच्छे लगते हैं मेरे तो मैंने कहा ज़्यादातर यही पहन लेता हूँ मैं, क्योंकि इसमें टोपी वगैरह भी है ना, तो बाहर में मतलब टोपी वगैरह पहनने की जरूरत नहीं होती। आज हम चलेंगे अपनी साइकिल से मस्त वाले, ये भी साइकिल है बट ये हमारी नहीं है, ये सेकेंड फ्लोर वालों की, ये थर्ड फ्लोर वालों की, ये हमारी फोर्थ फ्लोर वालों की। साइकिल चलाने का ना काफ़ी फ़ायदा है, पहला तो आप फिट रहेंगे, दूसरा आपको कभी मतलब बीमारी वगैरह नहीं होनी, है ना, और नुकसान क्या क्या है मतलब आलसी हो जाओगे, लेजी हो जाओगे काफ़ी, तो बस इसीलिए ना मैं थोड़ी सी साइकिल वगैरह चला देता हूँ। तो बाकी जो मेरा फिट रहने का राज है वो है मेरी साइकिल, एकदम मज़ेदार वाली, तो पिछले मतलब ये 2 टाइम ही चलाई है, तो देखते हैं। अब वैसे तो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, बट लगा क्या मॉर्निंग वॉक पे जाए, तो रेस्ट है हमारी साइकिल। सो भाई आज तो सही कसरत होगी, मतलब स्कूल, अब वैसे तो बंदे जाते हैं ना नाइट वॉक मॉर्निंग वॉक, बट मेरी तो भाई साहब दोनों होगी, नाइट भी होगी मॉर्निंग भी होगी, थक गया भाई साहब, पता नहीं लोग कैसे चलाते साइकिल भाई साहब, आज के बाद साइकिल निकालूंगा नहीं मैं। फिलहाल तो ऐसे ना साइकिल चला ली, काफ़ी भाई साहब टफ काम है साइकिल चलाना, पता क्यों, क्योंकि आई डोंट नो, मैं तो देखता हूँ ना मतलब रोड पर लोग पता नहीं कहाँ से दूर दूर तक मतलब साइकिल चला के आते हैं। सबसे जो बड़ी मेन थिंग है ना वो है कि सिलेंडर वाले सोचते मतलब 4-5 सिलेंडर ला के कैसे चला रहे थे भाई साहब, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाई साहब, क्योंकि मैंने सिर्फ मनीष को थोड़ा बैठा के थोड़ी सी आगे चलाया ना, और मेरे तो भाई साहब सांस फूलने लगे, मगर हे भगवान बचा ले। फिर मैंने सीधा मनीष को उतारा, मैं भाई स्कूटी लेके आ कैसे, तो मनीष गया भाई जी स्कूटी लेके आ चुका, खा रहे हो ला, और वो कहाँ रखे, कल वो खोया लेके आया था, वो कहाँ है, खोया भी हमारे पास। खोया खत्म भी हो गया, वाह आधा लेंगे क्या, दो है छोटी होकर डांट रही है, फिलहाल देख रहे हो इतना सब पूरा लेके आया था कल ना, वो खत्म हो गया पूरा, हाँ ले बाओ मेरे को देना, मैं भी दे रही हूँ उसको भी तुम्हें, क्या खोया है ये बड़ा वाला, छोड़ दो मेरे लिए, कल लेके आया था भाई साहब लेकिन काम नहीं आया कुछ, तो मैंने कहा मैं ही खा लूँ, नहीं ये कह रहे झूठ बोल रहे, चलो ठीक है भाई, ठीक है बड़े भाई, है फट गया था, फिलहाल खा रही है ड्राई फ्रूट्स, है ना, मम्मी ड्राई फ्रूट्स खा के, और फिर मम्मी का जिम्मा हमने दी है चाय बनाने की ड्यूटी, मम्मी सब खत्म हो गया कि है अभी, है ये है घड़ी वड़ी है, मम्मी की लैंग्वेज में घड़ी है, हमारी लैंग्वेज में ड्राई फ्रूट्स, तो स्कूटी ना बस नीचे से उठा के, और आज हम पता कहाँ जाने लगे, आज हम चलेंगे बाहर, मनीष की फेवरेट जगह, मस्त जगह ना, मनीष से पूछते हैं और फिर वहाँ पर चलेंगे, क्योंकि आज मनीष है मेरे साथ, कल ना सो गया था बेचारे की, परसों नींद पूरी नहीं हुई थी ना, तो इस मार चाय वगैरह पी रहे हैं, थोड़ी टेस्टी एकदम कड़क चाय मम्मी बना रही है। फिलहाल तो मम्मी जी ने निकाला हमारे लिए चाय और फैन, परसों आपकी नींद पूरी नहीं थी सुनने में आया, वही तो परसों आपको पता, कल तो आप बहुत सोए यहाँ पे घर पे, हाँ घर पे सोया है, मम्मी कह रही सोया नहीं रात भर, पता नहीं क्या 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 नहीं किया, मगर 2 बजे सोया, मैं तो 11 बजे सो गया था, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी, है वो तो मैं कभी भी सो जाता हूँ घर पे। फिलहाल तो कड़क चाय एकदम, मैंने ले लिया गिलास में, मड़ी भाई को दे दिया अपने कप में, तो फिलहाल चाय और फैन खा के और फिर हम चलेंगे बाहर आज, क्योंकि बहुत टाइम होगा ना बाहर गए, बाहर का कुछ हमें दिखाया नहीं स्पेशल क्या चीज़, तो चलते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है ना, अनलॉक इट मीन्स मतलब मार्केट वगैरह भी खुली हुई है, बहुत सारी गाइडलाइंस ने चालू कर दी केजरीवाल जी ने, प्राइवेट ऑफिस बंद, ऑनलाइन काम घर से, फलाना ढिमका, आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें होने वाली भाई साहब, जो है जैसा पल है उसको एंजॉय तो कर सकते हैं हम लोग। देखो हमारे मड़ी भाई क्या क्या सर्च करते हैं, देख ECBI के आदमी है, क्राइम ब्रांच से हो,
चलो गाइस फिलहाल तो मैं चल रहे हैं आज हम कहाँ बड़ी कहाँ जा रहे हो? एग रोल खाने। एग रोल खाने नहीं वेज रोल, एग रोल नहीं वेज रोल, क्योंकि आज ट्यूसडे कान में हवा लग रही है बहुत तेज, कान में हवा लग रही है मनीष के बहुत तेज, क्योंकि मौसम एकदम ठंडा, हवा चल रही है शाम के टाइम, एक कबाड़ी वाले कबाब। अच्छा इतना अच्छा सुर है मड़ी, कौन है कबाब? ये हमारे देखो पुराने अंकल जो हमारी गली में मनीष के आते हैं कबाबा, काफ़ी पुराने अंकल, फेमस हो गया आप, अब तो फेमस हो गया आप। ये देखो ये हमारे त्रिशा जो इधर से जा रही है फोटो कॉपी करवा के, तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं इस तरफ से दुआ, तो कहाँ पे मड़ी? ये दार्जिलिंग, दार्जिलिंग आप, तो हमें आगे से कट लेके आना पड़ेगा, काफ़ी लंबा रूट है तो वहाँ से घूम के आना पड़ेगा हमें। कहीं बोले तो नहीं ना भाई चलाना स्कूटी? चला रहा हूँ मस्ती में, चला रहा मस्ती में। वो ये देखो एक ट्रैक्टर पे देखो कितने बंदे लदे पड़े हैं, देख रहे हो बड़ी यहीं से बैठे, पेट्रोल फ्री में आ रहा है क्या तुम इतना लंबा काट रहे हो? मतलब काटना पीछे था फिर भी जानबूझ के इतनी आगे लेके आया कट के लिए, बताओ ऐसा होता कहीं? घूमी घूमी स्कूटी घूमी, ओहो अनार देख रहे हो भाई साहब, मतलब खोल खोल के अनार बेच रहे हैं भाई साहब एकदम, मतलब इसकी मुंडी खोल रखी है अनार की। और ट्रैफिक देखो वो जो आगे जा रहा है ना उसकी वजह से और ट्रैफिक लगा पड़ा है। ये मड़ी सीख गया था कटवाना, मनी भाई सीख चुके हैं कैसे ओवरटेक मारना, कैसे साइड में लेना है। तो जितने भी खाने पीने की दुकान है सब मनीष को पता है कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है एकदम बढ़िया वाली, तो मनीष हमें ले आता। उधर भाई को बोल देते हैं वेज रोल के लिए, भैया बना रहे हो ना वेज रोल? वेज वेज बना। अच्छा ठीक है, तो भाई साहब बना रहे हैं हमारे वेज रोल, हमारा वाला देख सकते हो कितना मस्त है, ये रोटी जैसी बना रखे भैया, क्या ये क्या होती है रोटी है? हाँ वही रोल की। अच्छा रोल की रोटी बना रखी है, बड़ा मस्त है। तो फिलहाल तो हमने ना यहाँ से ले लिए हैं वेज रोल है ना, क्योंकि आज नॉन वेज खा नहीं सकते ना क्योंकि ट्यूसडे के दिन है। मनीष कैसा मस्त है एकदम। और ये दुकान है मनीष को बताइए, दुकान पर ऐसे कौन लेके आया था तुझे पहले? बहुत पहले ऐसी ऐसी घूमता फिरता आ गया था, तो काफ़ी मस्त दुकान है, मनीष को ना सारी दुकानें पता खाने पीने की कौन सी चीज़ खाए, ऐसा प्लान ना कहीं और का था हमारा बट हमने सडनली यहाँ का बन गया तो हम यहाँ पे आ गए। तो फिलहाल तो हमने खा लिए वेज रोल, मज़ा आ गया। तो फिलहाल मनीष के हाथ में एक्सीलेटर दोबारा से, तो आगे चलने की तैयारी। चलो अब कहाँ की तैयारी भाई साहब? घर की तैयारी। तो मनीष कह रहा सीधा घर चलते क्योंकि रात हो गई, मौसम देख रहे हो कतई खतरनाक हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अभी धूप निकल रखी थी यार, अभी धूप थी ना, इतनी तेज धूप निकल रखी थी, अभी बहुत तेज धूप थी और अब देख रहे हो एकदम बहुत तेज ठंड है। सो गाइस वैसे तो ना रोल वगैरह खा ले, प्लान ना हमारा कहीं और का था, ठीक है, तो मतलब चाउमीन वगैरह का प्लान था जो हम काफ़ी टाइम पहले गए थे ना वहाँ पे था प्लान, बस सडनली ना मनीष का प्लान आया कि नहीं भैया वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे अभी मैं गया था एक बार, तो ये मनीष की फेवरेट जगह थी, मनीष ने देखा था, और जबकि मैं इधर आता जाता हूँ बहुत बार बट मुझे तो आज तक ये सब चीज़ नज़र ही नहीं आती क्योंकि मैं बाहर की बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करता हूँ ना। ये देखो भाई साहब हमारे यहाँ पे लाइन से देखो सुपर फूड चिकन चंगेजी मटका वाला, पता नहीं ये देखो चीफ भाई साहब लाइन से बेच रहे हैं, तो चिकन 90 रुपये प्लेट है, 90 रुपये प्लेट, 2 पीस 4 रुपये, सब टेस्ट ले रखे तूने? नहीं तो सही है भाई, मतलब मनीष ना सारे टेस्ट ले रखे, 90 रुपये प्लेट है 2 पीस 4 रोटी के साथ ये भी। सही है बेटा, चलेंगे किसी दिन है। तो मनीष का कहना है कि भाई साहब कभी खाएंगे चिकन वगैरह, तो 90 रुपये में लेग पीस नहीं देगा, 2 पीस देगा छोटे छोटे, तो फिर इससे बढ़िया हम आधा किलो घर पे ला के नहीं बना के खा लेंगे, वो अलग बात है। मनीष का कहना है कि मतलब 90 रुपये में 2 पीस छोटे छोटे ग्रह, मतलब आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ नॉन वेज। तो वैसे वेज खा लो यार बहुत अच्छी चीज़ है, नॉन वेज वैसे खाना नहीं चाहिए क्योंकि हम अगर किसी जीव को खाते हैं ना तो सोचते हैं उसका जब ब्लड वगैरह निकलता है तो कितना बुरा लगता होगा ना, तो मुझे तो भाई साहब बहुत बुरा लगता है, तो इस बारे में बिल्कुल नहीं खाता, इस सारी चीज़ को अवॉइड करता हूँ। पतली गलियों में ना ये बड़ा खतरनाक मोड़ है, निकाल मड़ी निकाल निकाल निकाल, देखो भैया निकल गए अम्मी निकल जाएंगे धीरे धीरे, शाबाश 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 शाबाश। ये देखो मतलब कितना कष्ट देना पड़ रहा है लोगों को, और देखो पतली सी गली है बीच में टेम्पो खड़ी करे, आसमान से टपका और खजूर में अटका, उधर से निकले तो हम यहाँ पे फंस गए, देखो स्कूटी खड़ी कर रखी है टेम्पो वाले भैया, थोड़ी थोड़ी ले रहे हैं पीछे, शाबाश 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 शाबाश, धीरे 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 ये निकल गए, ध्यान दे चलो ये कहा, शाबाश शाबाश। ये एरिया ना बड़ा खतरनाक है, एक तो सीवर देख रहे हो खोल के ससुरे ने ऐसी छोड़ दिया, इतना ऊंचाई पर कौन करता सीवर भाई, आज जिंदगी भर नहीं बनेंगे ना, एक राजापुरी रोड या ना ये गलियाँ। हाँ तो मनीष का कहना है कि ना ये गलियाँ बनेंगी ना राजापुरी रोड बनेगा जहाँ पे मनीष रहता है, तो मैं तो मनीष राजापुरी छोड़ चुका हूँ, तो ये एरिया भी थोड़ा छोड़ के ना मैं और आगे चलेंगे, मस्त एरिया बड़ा मस्त एरिया, नाला बन जाता है 2 दिन के बारिश में यहाँ पे तुम्हारे एरिया। हाँ ये तो हमारे घर के वहाँ पे ना मतलब नाले वगैरह देखने को आपको आमतौर पर गलियों में मिल जाएंगे, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती जब बारिश वगैरह होती है, तो वैसे तो ठीक रहता है।
ये देखो बच्चा क्या कर रहा है, वो भाई साहब मारेगा क्या इससे, ये देखो बिल्ली 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 बिलोटा वो भाई रास्ता काट गए, ओए रास्ता काट गया तेरी होले होले एकदम सारे सामने क्या सब कुचल लेता। हाँ ये बात है, कुचलना नहीं है, जानवर है यार वो भी हमारी तरह बेचारे। ये दुकान हमारे दोस्त की है पता तुम्हें, खिलाओ कभी तो, लेकिन फ्री में नहीं देते। हाँ राहुल राठौर है ना, राठौर क्या होते हैं, बनी होते हैं ना, कभी बनी होते हैं। इधर मार्केट देख सकते हैं, मार्केट वालों का बड़ा बुरा हाल है यार बेचारे क्या करें भाई। ये देखो भाई सब छोटी मार्केट है हमारे यहाँ, मस्त है लेकिन। कौन से वाले, कौन से अंकल, हाउ मच सब्जी, कबाड़ी वाले से मिल गए ना, कबाबा कबाबा है ये भी हमारे जानकार है। देखो ये देखो मटर छील रहे हैं, बाकी सब काम कर लेते वहाँ से लेके यहाँ तक, इनकी सारी दुकानें इन्हीं की है, इनका आने वाला टाइम में पूरे मार्केट में कब्जा हो। ये मनीष की फेवरेट दुकान, जहाँ से मनीष लेके जाता है बुक वगैरह, बट मिलती नहीं है ये बात अलग है, लेकिन मनीष की फेवरेट है वो भाई साहब। दवाई की दुकान पे इतनी भीड़, ऐसी कौन सी दवाई बांट रहे भैया आप, मतलब सबको खांसी जुकाम है। फिलहाल हमने यहाँ से ले लिए चाय एकदम कड़क वाली, क्योंकि ना घर पे भी पी थी बट घर में मज़ा नहीं आया, हंस लगा के पियोगे मट्ठी नहीं वाली है प्रिंस एक मट्ठी दे देना, ये हमारे खर्चीले भाई है वैसे पता, जब भी आते ना तो खर्चा मोटा करा देते हमारा, लेकिन कोई नहीं मज़ेदार भाई है, चाय मस्त है भैया की। जल्दी जल्दी पीले चलना है घर पे जल्दी, तो बस मनीष की फिनिश होने वाला है, मेरी थोड़ी सी रह गई है। तो गाइस चाय पी के एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया, 8 मिलियन अंदर से एकदम खतरनाक वाली। कैसा लगा आपको चाय पी के, मस्त 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 मस्त, मतलब ठीक है। मनीष के मनपसंद थी ये भी दुकान, तो मेरी मनपसंद है, मनीष की मनपसंद ये भी दुकानों का, वाह मनीष की फरमाइश देख रहे हो, और दुकानें तो सारी पता है इसको, कौन से नुक्कड़ पे क्या चीज़ बढ़िया मिलती है, कौन सी बेकार मिलती है, वो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो मनीष से मिल जाएगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन। आना ठंडी एकदम जोर शोर से खतरनाक वाली, देख रहे हो टोपी भी लगा रखा था, मफलर भी बांध रखा, फिर भी ठंड लगी है। तो बस फिलहाल आ गए घर पर और फटाफट फ्रेश हो, कल तो मैं फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ घर पर आ गया, काफ़ी ठंड है भाई इतने, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड है, जितनी गर्मी थी ना तो पहले उससे भी डबल लगा लो कि ठंड है ना। तो फिलहाल मैं थक गया हूँ, तो अभी मैं थोड़ा लैपटॉप पे काम वगैरह है, तो लैपटॉप पे थोड़ा काम करूँगा है ना, मतलब वीडियो एडिट से रिलेटेड कुछ काम है, तो मतलब यूट्यूब से देख देख के थोड़ा सा कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ना, तो फिर इसके बाद करेंगे डिनर और फिर उसके बाद करेंगे वीडियो की एडिटिंग। बस अभी जो वक्त रहा ना वो रहा रात के पूरे शाम 10:01, तो फिलहाल करते हैं डिनर है ना, तो क्योंकि भूख लगी बहुत तेज, तो डिनर में है दूध है रोटी है और ये आलू की भुजिया है ना, तो डिनर करते हैं फटाफट और फिर लैपटॉप का काम भी ना फटाफट फिनिश करके फिर करेंगे हम एडिटिंग चालू। बस अभी जो वक्त रहा रात के 1:00 12:50 है ना, तो बस एडिटिंग वगैरह ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया ना। सो गाइस आज के स्लॉग में मैंने दिखाया मतलब मैं और मनीष ना गए रोल वगैरह खाने, फिर उसके बाद चाय वगैरह, और अभी ना फिलहाल तो भैया जी की थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई है, तो फिलहाल तो अभी मेडिसिन वगैरह लेके सो चुके हैं ना। सो गाइस अपनी स्लॉग को यहीं पर करता हूँ एंड, आई होप आपको लोग थोड़ी सी पसंद आई हो, पसंद है तो छोटा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू एंड।